सब्सक्राइब करें हमारे चैनल IAS PSC सॉल्यूशन को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य। देखिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, चाहे BPSC JPSC कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या SSC रेलवे किसी का भी आप एग्जाम दे रहे हैं, तो उस एग्जाम में नृत्य से एक क्वेश्चन तो जरूर पूछता ही है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने लोक नृत्य के ऊपर एक वीडियो ये मैं बना रहा हूँ और इसमें मैं ट्रिक से आपको बताऊंगा कि कौन कौन से राज्य के कौन कौन से लोक नृत्य हैं। इसको 2 मिनट में आप आराम से याद कर लेंगे, ठीक है, और कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो स्टेट है हमारा वो है केरल। केरल का जो लोक नृत्य है वो है कथकली। कथकली, अब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, इसके लिए मैंने नीचे ट्रिक लिखा है। देखिए, करेले की कथा, हम लोग जो है वो बचपन में कहानी सुनते होंगे और कहानी जो है कोई ना कोई बुजुर्ग लोग हम लोगों को सुनाते थे, तो एक जो कहानी था वो करेले की था, ऐसा हम लोगों को माइंड में सेट कर लेना, ठीक है, कि एक कहानी किसका है, करेले की, मतलब करेले की कथा। करेले से आपका हो गया केरल और कथा, कथा से हो गया कथकली। केरल की लोक नृत्य कौन है, कथकली, ठीक है, करेले की कथा, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, करेले की कथा। अगला है पंजाब। पंजाब का है भांगड़ा। देखिए, इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है, पंजे में भांग डालो, पंजे में भांग डालो। देखिए, पंजे, पंजे किसको बोलते हैं, हाथ जो हम लोग खोलते हैं पूरा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पंजा, ठीक है, पंजे, ठीक है, पंजे में भांग डालो। अब हाथ खोलकर हम लोग बोल रहे हैं कि मेरे हाथ में, पंजे में क्या है, भांग डालो, ठीक, तो पंजे से हो गया आपका पंजाब, भांग से हो गया भांगड़ा। पंजाब का जो है लोक नृत्य वो कौन सा है, भांगड़ा, ठीक है। अगला है राजस्थान। राजस्थान का है घूमर, ठीक है, तो राजस्थान आप सब जानते ही हैं कि राजाओं का स्थान है राजस्थान, तो एक राजा है और उनके गुरु जो है वो घूमने निकल देते हैं, तो उनके गुरु बोलते हैं कि राजा तुम घूमो, राजा तुम घूमो, मतलब अपने प्रजा के लिए देखो कि आपकी प्रजा कैसी है, तो वो बोलते हैं राजा तुम घूमो, तो राजा से हो गया राजस्थान, घूमो से हो गया घूमर, ठीक है, राजा तुम घूमो, राजा राजस्थान, घूमो घूमर, ठीक है, राजस्थान का क्या है, लोक नृत्य घूमर है। और मैं इसमें जो फेमस फेमस लोक नृत्य है उसी को लाया हूँ जो किसी न किसी एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है, और भी हैं स्टेट के, लेकिन वो जो है उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये है, ठीक है, जो फेमस है उसी को मैं इस वीडियो में लाया हूँ, बाकी और कोई एक आध वीडियो फिर बनाऊंगा उसमें लेकर आऊंगा, ठीक है। देखिए, अगला है असम। असम का है बिहू। असम का बिहू, ठीक है, कैसे इसको याद रखेंगे, ये ट्रिक है, असम की बहू। मान लिया कि मेरा घर यूपी में है, यूपी में एक लड़के की शादी होती है तो उसके घर वाले पूछते हैं कि बहू कहाँ की है, तो वो बोलते हैं कि बहू कहाँ की है, असम की है, असम की बहू कहाँ की है, असम की बहू, ठीक है, तो असम से आपका असम हो गया और बहू से हो गया बिहू, ठीक है, असम की बहू, असम बिहू। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का क्या है, मुखोटा। देखिए, एक लड़का है उसका नाम है अरुण, ट्रिक बनाया है, उसका नाम क्या है, अरुण, और उसने क्या पहना है, मुखोटा पहना है, अरुण ने क्या पहना है, मुखोटा पहना है, तो हम लोग बोल रहे हैं अरुण का मुखोटा, ठीक है, अरुण का मुखोटा, अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश, मुखोटा से मुखोटा, अरुणाचल प्रदेश का मुखोटा। अगला है गुजरात। गुजरात का क्या है, लोक नृत्य गरबा। गुजरात का गरबा, एक बूढ़ी माता है वो बोलती हैं कि मेरी जो गरीबी है वो गुजर गई, गुजर गई गरीबी, ठीक है, ये ट्रिक है इसका याद करने का, गुजर गई गरीबी, गुजर से गुजरात, गरीबी से गरबा, ठीक है, गुजर गई गरीबी, गुजरात गरबा, आपको ये ध्यान में रखना है, गुजर गई गरीबी आप कभी भी नहीं बोलेंगे। अगला है झारखंड।
झारखंड का है छऊ। जो छऊ जो है ये सबसे फेमस है झारखंड का, झारखंड का छऊ। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, इसके लिए झाड़ू छा गया झारखंड में। देखिए झाड़ू जो है वो अरविंद केजरीवाल जी का, इनका आम आदमी पार्टी का चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है झाड़ू छाप। तो केजरीवाल जी झारखंड में चुनाव लड़े, ऐसे दिमाग में सेट करना, केजरीवाल जी झारखंड में चुनाव लड़े और जीत गए और बहुत मतों से जीते। तो हम लोग बोलते हैं कि झाड़ू छा गया झारखंड में, झाड़ू छा गया झारखंड में, मतलब झाड़ू झाड़ू से हम लोग याद रख सकते हैं झारखंड, छा से छऊ। ठीक है, तो इसलिए मैंने पूरा एक वाक्य बना दिया है कि पूरा या वाक्य अगर याद रहेगा तो आप कभी नहीं भूलेंगे, झाड़ू छा गया झारखंड में, झारखंड आ रहा है तो झारखंड और छा से छऊ। या आप सिर्फ इतना भी याद रख सकते हैं, झाड़ू छा गया झा से हो गया झारखंड और छा से छऊ, लेकिन मैंने पूरा वाक्य बना दिया है कि आप कभी नहीं भूलेंगे, झाड़ू कहाँ छा गया है झारखंड में। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड, उत्तराखंड के गढ़वाली। ठीक है, उत्तराखंड के गढ़वाली, एक लड़का बोलता है कि मैंने झंडा यूके में गाड़ा, मैंने झंडा यूके में गाड़ा। ठीक है, यूके से आपका हो गया उत्तराखंड, यूके से उत्तराखंड, और कहाँ गाड़ा है उसने, यूके में गाड़ा है, क्या गाड़ा है, झंडा गाड़ा है। ठीक है, तो ये आपको स्टोरी याद रखना है, एक लड़का बोलता है मैंने झंडा यूके में गाड़ा है, यूके से उत्तराखंड और गाड़ा से हो गया गढ़वाली। ठीक है, तो उत्तराखंड का लोक नृत्य कौन सा है, गढ़वाली। अगला है आंध्र प्रदेश, देखिए आंध्र प्रदेश की है कुचिपुड़ी। हम लोग मन एक दिमाग में सेट करके चलना है कि हम लोग एक दिन किसी के यहाँ खाने पे जाते हैं और अंधेरा हो जाता है बिजली गुल होने से, तो हम लोग निकल कर बोलते हैं हमने अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई, हमने अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई। बाहर निकल कर हम लोग बोलते हैं कि हमने अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई, अंधेरे से हो गया आपका आंध्र प्रदेश और कच्ची पूड़ी से हो गया आपका कुच्ची पूड़ी, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुच्ची पूड़ी। ठीक है, अगला है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का गौड़ी, छत्तीसगढ़ का गौड़ी। अब देखिए यहाँ से हम कैसे याद करेंगे, ठीक है, देखिए एक लड़का बोलता है यहाँ से अभी अभी 36 गाड़ी गुजरी है, यहाँ से अभी 36 गाड़ी गुजरी है। अब देखिए 36 हो गया छत्तीसगढ़ और गाड़ी से हो गया गौड़ी, बस इतना हम लोग को याद रखना है, 36 हो गाड़ी। ठीक है, 36 गाड़ी। हिमाचल प्रदेश का है धमाल, हिमाचल प्रदेश धमाल। ठीक है, एक लड़का बोलता है कि वो मेरा हिम्मत वाला धमाल था, एक लड़का है जो बोलता है कि मैंने जो धमाल किया था वो मेरा हिम्मत वाला धमाल था, बहुत हिम्मत करके मैंने वो धमाल किया था। ठीक है, तो हिम्मत वो मेरा हिम्मत वाला धमाल था, तो हिम्मत से आपका हो गया हिमाचल प्रदेश और धमाल से हो गया धमाल। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का धमाल। अगला है गोवा, गोवा का मंडी, देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए गोवा मंडी में अच्छा सामान मिलता है, हर शहर में एक मंडी होता है सामान के लिए, तो लोग बोलते हैं कि यार सबसे अच्छा जो है सामान वो गोवा के मंडी में मिलता है, कहाँ मिलता है, गोवा मंडी में, गोवा मंडी में अच्छा सामान मिलता है। अगला है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल है काठी। ठीक है, पश्चिम बंगाल की लोक नृत्य कौन सी है, काठी। देखिए कैसे याद करें, बंगले की काठी, काठी का मतलब होता है लकड़ी। ठीक है, तो बस इसको इतना ही याद रखना है, बंगले की काठी, बंगले की काठी, बंगले से हो गया पश्चिम बंगाल और काठी से काठी। अगला है मेघालय, मेघालय, मेघालय को कैसे याद रखेंगे, मेघालय का लावनी है, मेघालय का लावनी, इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए बारिश बहुत दिनों से नहीं हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि मेघ वर्षा लाओ, मेघ वर्षा लाओ, मेघ मतलब बादल, वर्षा लाओ। ठीक है, मेघ से मेघालय, लाओ से लावनी। यह हमारा नागालैंड, नागालैंड का चोंग, इसको कैसे याद रखना है, देखिए इसके लिए ट्रिक है नाग की चोंच, देखिए नाग का जो फन होता है उसको हम लोग बोलते हैं चोंच, मानकर चलिए। ठीक है, तो नाग की चोंच, ठीक है, तो नाग से हो गया नागालैंड और चोंग से हो गया, चोंच से हो गया आपका चोंग। ठीक है, नागालैंड चोंग। ठीक, अब देखिए उड़ीसा, उड़ीसा का है ओडिसी, तो इसके लिए तो कोई ट्रिक नहीं है, तो ऐसे ही याद हो जाएगा, उड़ीसा का ओडिसी। ठीक है, ये सबसे इजी है। अगला है कर्नाटक, कर्नाटक का है यक्षगान, अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, उन्होंने मुझे कान में गाना सुनाया, उन्होंने मुझे कान में गाना सुनाया, कान से
कान को हम लोग कर्ण भी बोलते हैं, सुधिंदी कर्ण, कर्ण मतलब कान, तो कान कर्ण, कर्ण कर्नाटक, कर्नाटक से, कर्नाटक का गाना से हो गया आपका यक्ष गान, गान यक्ष गान, ठीक है। उन्होंने मुझे कान में गाना सुनाया, कर्नाटक, कर्नाटक का यक्ष गान। अगला है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का है राउफ, इसको कैसे याद रखेंगे? इसको सिर्फ एक ही शब्द याद रखना है, जमूरा, जमूरा, ठीक है। जम्मू से हो गया जम्मू कश्मीर और रा से हो गया राउफ, जमूरा, ठीक है। अगला है तमिलनाडु, तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, तमिलनाडु का भरतनाट्यम। देखिए इसको कैसे याद रखें, बहुत दिनों बाद तू मिले भरत। देखिए ये रामायण का थोड़ा सा हम लोग सीन याद करें, राम और भरत का जो मिलन होता है उसमें बोलते हैं राम जी कि बहुत दिनों बाद तुम मिले भरत, तुम मिले से हो गया तमिलनाडु, तुम मिले, और भरत से हो गया भरतनाट्यम, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का है रासलीला, इसको कैसे याद रखेंगे? ऊपर वाले की लीला, हम लोग बोलते हैं चाहे कोई भी काम हो तो उसमें बड़ी सी काम में हम बोलते हैं कि ये सब ऊपर वाले की लीला है, ऊपर वाले की लीला। ऊपर से हो गया आपका उत्तर प्रदेश और लीला से हो गया रासलीला, ठीक है। तो ये ट्रिक था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इस टाइप का और भी वीडियो मैं अपलोड करूँ और आपको मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।